हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। यहां पर बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है। हालांकि विपक्ष ने ऐसे इलेक्शन रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी। विपक्षी नेताओं को भरोसा था कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है और इसका फायदा कांग्रेस को होगा। इसी बीच अब महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान आया। उन्होंने बीजेपी को जीत की बधाई दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं बीजेपी को बधाई देती हूँ क्योंकि इतनी सत्ता विरोधी लहर के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वे हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस को अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि जहां से बीजेपी से सीधी लड़ाई होती है वहां कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। यहां पर बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है। हालांकि विपक्ष ने ऐसे इलेक्शन रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी। विपक्षी नेताओं को भरोसा था कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है और इसका फायदा कांग्रेस को होगा। इसी बीच अब महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान आया। उन्होंने बीजेपी को जीत की बधाई दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं बीजेपी को बधाई देती हूँ क्योंकि इतनी सत्ता विरोधी लहर के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वे हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस को अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि जहां से बीजेपी से सीधी लड़ाई होती है वहां कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाती है।